नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको फटाफट बता देने का, तस्वीरें दिखा देने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफर। यूपी के सुल्तानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वायुसेना ने रचा इतिहास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम की मौजूदगी में लड़ाकू विमानों के आधे घंटे के एयर शो का प्रदर्शन। वायुसेना के मिराज 2000 मल्टीरोल फाइटर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाया दमखम। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर की लैंडिंग। एक्सप्रेसवे पर कमांडोज को लेकर उतरा एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32। कमांडोज ने पेश किया ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा। एयर शो के दौरान दिखा लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ का प्रदर्शन। जगुआर की दिखी गर्जना। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई ने भी दिखाई ताकत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाया करतब। देश को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। यूपी के सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के जहाज हरक्यूलिस से पीएम मोदी ने की लैंडिंग। डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने दिखाई शक्ति। लॉकेट मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने अवधि में शुरुआत की भाषण की। कालनेमी के वध और हनुमान के बल को किया याद। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पीएम मोदी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इमरजेंसी हालात पैदा होने पर बनेगा वायुसेना की ताकत। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर एयर शो का जिक्र करते हुए कहा लड़ाकू विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने दशकों तक देश के डिफेंस सिस्टम की जरूरतों को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना साधा निशाना। बोले योगी सरकार से पहले वाली सरकार के सीएम को वोट बैंक की फिक्र, उन्हें मेरे साथ खड़े होने में होता था संकोच। पीएम मोदी बोले सीएम योगी से पहले ऐसे सीएम थे जो एयरपोर्ट पर हमें रिसीव कर भाग जाया करते थे, उन्हें डर था कहीं कामकाज का हिसाब ना मांग लो। पीएम मोदी ने एक के बाद एक विपक्षी दलों की पूर्व सरकारों पर किए कई वार। बोले यूपी में पहले रहा नहीं राहजनी होती थी। सीएम योगी ने मंच पर पीएम को अंगवस्त्रम पहनाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी को भेंट किया राम मंदिर का मॉडल। सीएम योगी ने यूपी के विकास का किया बखान। कहा सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं यूपी में हवाई सुविधा पर भी दिया जा रहा है जोर। यूपी में 9 एयरपोर्ट हैं फंक्शनल और 11 एयरपोर्ट पर जारी है काम। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से दिल्ली का सफर। 22,495 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में दिखा अनोखा रंग, रंग बिरंगे परिधानों में थिरके लोक कलाकार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की गर्जना से पहले गूंजी नगाड़े की गूंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने जारी किया नया म्यूजिकल वीडियो, बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग दूसरों की पट्टी पर उतारते हैं अपने जहाज। इनका बनाया हुआ है क्या? अलाइनमेंट इनका है? झूठे हैं ये। अखिलेश को नहीं मिली विजय रथ यात्रा और रैली की इजाजत। गाजीपुर के हैदरिया पकनपुरा से होनी थी रथ यात्रा, यहीं से होती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरमाई सियासत, एक और अध्याय। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रतीकात्मक उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलाई साइकिल। ऑडिट डे पर सीएजी के दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी, कहा पूरी ईमानदारी से देश के सामने रखा पिछली सरकारों का सच। सीएजी दफ्तर में लगी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने किया माल्यार्पण। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 नवंबर से फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। पहले जत्थे में पाकिस्तान जाएंगे 250 श्रद्धालु। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 19 नवंबर को बाबा नानक का प्रकाश पर्व। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा देश 19 नवंबर को प्रकाश पर्व मनाने को तैयार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खुलने पर किया ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने बताया करतारपुर कॉरिडोर के खुलने को सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी की बड़ी देन। बोले, पीएम ने हमेशा पंजाब के हित के लिए ही काम किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार दोबारा संभाला, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम चन्नी। एडवोकेट जनरल एपीएस देओल और डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता की नियुक्ति के विरोध में 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से दे दिया था इस्तीफा, 5 नवंबर को वापस लिया इस्तीफा। नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं सिद्धू। देओल को लेकर किए गए ट्वीट पर सिद्धू के खिलाफ हरियाणा के महाधिवक्ता के सामने एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है। ड्रग के एक मामले को लेकर सिद्धू ने किया था ट्वीट, हरियाणा हाईकोर्ट के वकील परमप्रीत सिंह बाजवा ने दायर की याचिका। पटियाला में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले सिद्धू, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तान का रहने वाला, बिलाल भाई के नाम से हुई पहचान। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के 2 मददगार भी मारे गए। टॉप फ्लोर पर छिपे थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने को कहा तो गोली चलाई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार, आज भी प्रदूषण का खतरनाक स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 पर पहुंचा। दिल्ली समेत एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकारें, केंद्र की 6 राज्यों के साथ बैठक, प्रदूषण प्रबंधन। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद एक्शन में केंद्र, दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी और उत्तराखंड के साथ प्रदूषण पर किया मंथन। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली से सटे राज्यों को निर्देश, 2 हफ्ते तक पराली नहीं जलाना करें सुनिश्चित, कल फिर होगी सुनवाई। प्रदूषण पर केंद्र संघ बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव, दिल्ली समेत एनसीआर में बंद हो निर्माण कार्य, लागू किया जाए वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम। जाकिर नायक के एनजीओ पर बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने लगाई 5 साल की पाबंदी। यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू, सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों की रखी मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय कोलकाता दौरा, 2024 तक राज्य के कोने कोने तक आरएसएस को पहुंचाने का है लक्ष्य।
बंगाल में ममता सरकार को लेफ्ट की चिट्ठी, लिखा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव लाई सरकार। कांग्रेस ने भी दिया लेफ्ट का साथ, अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी, पंजाब से सीखे ममता सरकार। अब सैलानियों के लिए खोला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन, बरसात के चलते 15 जून को किया गया था बंद। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खोले गए, पर्यटकों की लगी भीड़। राजस्थान के धौलपुर जिले के धनौरा गांव में राजस्व सेवा के अफसर ने चलाई सोच बदलो गांव बदलो की मुहिम, सरकारी मदद के बिना किया गांव का विकास। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद लोक गायक अनवर खान पहुंचे जैसलमेर, लोगों ने किया भव्य स्वागत। नोएडा में शुरू हुआ हेलमेट बैंक, जरूरी कागजात दिखाकर कुछ दिनों के लिए फ्री मिले सकते हैं हेलमेट। दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का तीसरा दिन, अलग अलग पवेलियन में जगह जगह के प्रोडक्ट की नुमाइश। यूपी के पवेलियन में रामपुर के जरी वर्क और पैच वर्क की खास झलक, शानदार कलाकारी का प्रदर्शन। यूपी के पवेलियन में हर जिले की कला को पेश करने की कोशिश, हापुड़ और सहारनपुर के हैंडीक्राफ्ट भी किए गए पेश। कानपुर के स्टॉल पर देखी शानदार गुड़िया, जूट से बने खिलौनों की नुमाइश, अलीगढ़ के मेटल क्राफ्ट की भी प्रदर्शनी। ट्रेड फेयर में देखी अनोखी नीम की डंडी से बनी पेंसिल, हाथ से हुआ निर्माण, बच्चों की सेहत के लिए नहीं है खतरनाक। लखनऊ में कृष्णा नगरी की पंडित खेड़ा कॉलोनी में 2 साल बाद लोगों को मिली बिजली, एलडीए ने 2019 के बाद बने मकानों को घोषित कर दिया था अवैध। राजस्थान के झुंझुनू के एक गांव में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन, देखने के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के एक गांव में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर पहुंचा दूल्हा, शादी को बनाया यादगार। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मैकेनिक ने पेट्रोल की जगह गैस से बाइक चलाने का किया जुगाड़, लोगों को हो रही है बचत। 2 बार समन के बाद भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। बिहार के सिवान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी की हुई शादी, राजनीतिक हस्तियां हुई शामिल। गंगा की स्वच्छता के लिए आईआईटी कानपुर की अनोखी पहल, नदी की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया विशेष रोबोट, प्रदूषण की देगा जानकारी। दार्जिलिंग में पोस्ट ऑफिस की इमारत के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, 22 मई 1921 को बनी थी बिल्डिंग, कोरोना संकट के कारण 6 महीने देर से बना उत्सव। श्रृंगेरपुर धाम में हुआ 5 दिन के रामायण मेले का शुभारंभ, अलग अलग दिन होंगे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम। केरल के 8 जिलों में येलो अलर्ट, 4 जिलों में बंद किए गए स्कूल। अलपुझा में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव तेज, सरकारी स्कूल में बनाया गया कैंप। टीम इंडिया ने मैदान पर बहाया पसीना, जयपुर में होगा 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। हेड कोच राहुल द्रविड़ भी जुटे टीम इंडिया के साथ, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर अनुराग ठाकुर ने सम्मानित कर दी बधाई, टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम किया था रोशन। तीरंदाजी में कामयाबी के लिए 23 एथलीट्स को मिले मेडल, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने किया सम्मानित। कुश्ती और पहलवानी को जिंदा रखने के लिए चित्रकूट में दंगल, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों से हो रहा है आयोजन। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास मिली 5 करोड़ की 2 घड़ियां, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने की जब्त। हार्दिक पांड्या के पास नहीं था घड़ियों से जुड़ा कोई बिल, पांड्या से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कस्टम ने किया जब्त। महंगी घड़ियों पर पांड्या ने दी सफाई, कहा सोशल मीडिया पर घड़ी की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है जबकि घड़ियों की सही कीमत 1.5 करोड़ है। पांड्या ने कहा सरकार की सभी एजेंसियों का करता हूं सम्मान, मैं पूरी ड्यूटी भरने को तैयार। इससे पहले नवंबर 2020 में हार्दिक के बड़े भाई कुणाल पांड्या के पास से भी मिली थी लग्जरी घड़ियां। पहले ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने ऑडिट को वैल्यू एडिशन का खास हिस्सा बताया, कहा हमने ऑडिट को आशंका और भय के साथ देखने की मानसिकता को बदला। राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़ रुपए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एक एडवांस किस्त भी रहेगी शामिल। पेट्रोल डीजल को जीएसटी मिलाने का फैसला परिषद करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा रेट तय हो जाने के बाद ही जीएसटी में लाना मुमकिन।
रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किरायों में 15% की कमी कर सकता है भारतीय रेलवे। प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां अभी रहेंगी जारी। डिमांड और लागत में इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। दुबई एयर शो में चीन के सुपरसोनिक L-15 जेट पायलट्स ने आसमान में दिखाए करतब। हवा में 180 डिग्री का रोटेशन देख लोग दंग रह गए। किंग रिचर्ड का प्रीमियर देखने पहुंची सेरेना विलियम्स और विल स्मिथ। किंग रिचर्ड एक आत्मकथा पर आधारित है जिसे रिचर्ड विलियम ने लिखा है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में लंबे समय बाद खोला गया आइस रिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन हुआ करता था यह आइस रिंग। लंदन में लिवरपूल विमेंस हॉस्पिटल के बाहर विस्फोट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। एक महीने में दूसरी ऐसी घटना होने पर बढ़ाया गया खतरे का स्तर। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 68 साल बाद सबसे सर्द नवंबर। 3 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। जमकर बर्फबारी। ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन का आज है जन्मदिन। मालदीव में अपना 10वां जन्मदिन मना रही आराध्या। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी और एक्टर कुणाल वर्मा ने कोर्ट मैरिज के करीब 1 साल बाद पारंपरिक रीति रिवाज से की दोबारा शादी। कोरोना की वजह से टालनी पड़ी थी शादी। सीरियल कुंडली भाग्य की प्रीता के नाम से मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या आज शादी करने जा रही हैं। श्रद्धा की शादी से पहले होने वाली रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट एक बार फिर टली। मेकर्स ने एक बयान जारी कर रिलीज डेट आगे बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लग रही थी।